नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा एडजस्टेड परचेज, ठीक है ना। पहले वर्ड समझते हैं सर, एडजस्टेड परचेज क्या है उसके हिसाब से करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर है हमारा ये, हमने पहले कर लिया था, 8 तक कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 9 देते हैं इसका नाम। एडजस्टमेंट नंबर 9 सर, एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या कहता है? एडजस्टेड परचेज, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैं नंबरिंग लिख रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये एडजस्टमेंट नंबर 9 पे ही एडजस्टेड परचेज होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारा, आप इसे कैसे भी रिवाइज कर सकते हैं, बल्कि मैं तो अपने हिसाब से इसको फिल्टर कर रहा हूं। जब आप इसको रिवीजन करने बैठे तो अपने हिसाब से फिल्टर कर ले, जो जो एडजस्टमेंट आपको ज्यादा आसान लगता है पहले लिखें उसको, और जो थोड़ा सा मुश्किल है उसको उसके बाद लिख ले। अपने हिसाब से आपको उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। तो एडजस्टेड परचेज की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा सर, एडजस्टेड परचेज होता क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। एडजस्टेड परचेज होता है हमारा इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक और माइनस परचेज रिटर्न। माइनस, और ये ना एडजस्टमेंट का पार्ट जनरली होता नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंट है जो कि एक क्वेश्चन मुझे दिखा और उसकी वजह से मैंने यहां लिख लिया। सर एडजस्टेड परचेज जैसे कि आपका सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारे यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट है सर। नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, इधर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, सपोज करो 10,000, यहां लिखेंगे टू परचेज, सपोज करो 50,000, इसमें से माइनस क्या करते हैं परचेज रिटर्न, सपोज करो 5,000। इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पे 45 लिख देते हैं, और इधर हमारा होता है बाय साइड में सेल्स, मान लेते हैं 1,00,000, और बाय साइड में हमारा होता है क्या क्लोजिंग स्टॉक, मान लेते हैं 5,000। तो अल्टीमेटली एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या कहता है सर, ओपनिंग स्टॉक परचेज इन दोनों को जोड़िए, यानी इन दोनों को आप ऐड करिए, और कहता है इसमें से माइनस क्या करिए सर, यानी ये वाला हिस्सा इसमें से माइनस करिए, और क्या कहता है माइनस क्या कर दीजिए परचेज रिटर्न। तो अगर हम यहां पे देखें, आप एक पल को सेल को निकाल दो यहां से, एक मिनट के लिए मैं सेल्स को निकाल देता हूं। अगर मैं यहां सेल्स से निकाल दूं तो हमें यहां पता है क्या बैलेंस देखने को मिलेगा सर, बैलेंस देखने को मिलेगा हमें 45 और 55 और 5, तो यानी ये तो 55,000 रुपये हो जाएगा और 55,000 रुपये, और अल्टीमेटली जो बैलेंस हमारा निकलेगा यहाँ पे दैट इज हमारा 50,000 रुपीज का निकल के आ रहा होगा। सर एडजस्टेड परचेज भी लिख लेते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर, ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 का, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपये का,
प्लस परचेज कितने का है सर? 50,000 का। माइनस में रिटर्न कितने का है? 5,000 का। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर? माइनस 5,000। दैट इज ये भी क्या आ गया। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको 50,000 रुपए एडजस्टेड परचेज दे दूं, और अगर मैंने आपको 50,000 रुपए एडजस्टेड परचेज दिया है, इसका मतलब उस परचेज के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही माइनस प्लस हो चुका है या नहीं हो चुका? हो चुका है। यानी जब मैं एडजस्टेड परचेज दूंगा, तो मैं इसको एक काम ऐसा भी कर सकता हूं सर, डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पे एडजस्टेड परचेज और दैट इज 50,000। अब सवाल के अंदर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो क्या हम ओपनिंग स्टॉक को यहां पे लेंगे? क्योंकि इसी में ऑलरेडी प्लस हो चुका है। अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न देता है, तो क्या परचेज रिटर्न लेंगे हम यहाँ? क्योंकि वो हो चुका है। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। यानी जो मेजर एंट्री है ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, उसका हमने ट्रीटमेंट कहाँ कर दिया है? परचेज के अंदर ही कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं जब एडजस्टेड परचेज गिवन होता है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न को क्या कर देना चाहिए? इग्नोर, उसको हम अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अगर आपका एडजस्टेड परचेज नहीं है, तब तो आपका ये वाला तरीका ठीक है करने का। अगर एडजस्टेड परचेज है, तो फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते होगा। समझ में आई बात आपको? तो एडजस्टेड परचेज बेसिकली आपका एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि जब आपका एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो जवाब है सर, जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, when adjusted purchase given, then when adjusted purchase given, then opening stock and closing stock will be ignored। बस आपको ये नोट लिखना है, जैसे हम पहले कहते थे ना कि इसकी दो एंट्री होगी, इसकी आपका एक डेबिट में जाएगा क्रेडिट में, ऐसा कोई रोल इसका नहीं होने वाला है। एडजस्टेड परचेज होगा तो सिर्फ एडजस्टेड परचेज ये लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को भी नहीं लिखना और क्लोजिंग स्टॉक को भी नहीं लिखना। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? बताओ, मैंने अगर यहां एडजस्टमेंट कर दिया है तो परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम एक क्वेश्चन है आपके पास, देख लेते हैं आपकी किताब का एक क्वेश्चन है।